ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए युवा मतदाताओं के बीच मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विक्रम उपाध्याय और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ देश के हर नागरिक को मत देने का अधिकार है। सशक्त लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि जनता अपने मताधिकार का उपयोग करे और वोट के महत्व को, अपने संवैधानिक अधिकार को समझकर, जब तक नई पीढ़ी के मतदाता यानी युवा मतदान में सक्रियता से हिस्सा नहीं लेंगे, तब तक लोकतंत्र को पूरी तरह से सशक्त नहीं माना जा सकता है। चुनाव में युवा मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के प्रयासों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विक्रम उपाध्याय। विक्रम जी, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये जानकारी दें कि हम युवा मतदाता किसे कह सकते हैं, किस आयु वर्ग तक के लोगों को कह सकते हैं, क्योंकि 18 साल से मतदाता मतदान का अधिकार मिलता है, तो 18 साल से किस साल तक के लोगों को हम युवा मतदाता कह सकते हैं? तो आप अगर मतदाताओं के हिसाब से बात करें तो कम से कम 35 साल तक के मतदाताओं को हम कह सकते हैं कि वे युवा मतदाता हैं। और 35 साल के तक के मतदाताओं की संख्या आपको मालूम है हमारे देश में बहुत ज्यादा है। लगभग 65% लोग ऐसे होंगे जो 18 से 35 वर्ष के युवा लोग होंगे। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ अगर लोकतंत्र आगे बढ़ता है तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और आपने जो प्रतिशत बताया है, अगर हम देखें कुल मतदाताओं की संख्या के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी संख्या है। और अगर हम इसे पूरे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि भाई चुनाव ही हमारे देश का भविष्य तय करता है, हमारे देश में जो कुछ भी आगे होगा उसके लिए रास्ता तय करता है, लेकिन इसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उससे पहले शायद हमें ये चर्चा कर लेना चाहिए कि युवाओं की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है। युवा मतदाताओं को केवल हम संख्या के दृष्टिकोण से ना देखें। युवा मतदाता वो एक इन्फॉर्म्ड लोग हैं। अभी सूचना के तंत्र इतने सारे हैं, इतने विकसित तंत्र हैं, सबको मालूम है कौन सी पार्टी क्या कर रही है, किसकी किस तरह की योजनाएं हैं, युवाओं के लिए कौन सोचता है। तो एक इन्फॉर्म जो है ये एक वर्ग मतदाता का है, युवा वर्ग का है। इसके अलावा जोश जो है, जोश जिसको बोलते हैं कि युवाओं में जोश है, जो खुद भी लोकतंत्र के पर्व को एक त्यौहार की तरह मना सकते हैं, साथ में लोगों को जोड़ सकते हैं। आप देखेंगे इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग लोग जो है वो अपने कॉलेज, विश्वविद्यालय, मोहल्ले, सब लोग मिलकर एक वोट डालने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो इनको हम इस तरह से देखते हैं कि इसकी जरूरत इसलिए इस देश को है, किसी भी देश को है, युवाओं के मत की जरूरत है, क्योंकि ये केवल वोट ही नहीं डालते, केवल लोकतंत्र को जिंदा ही नहीं रखते, बल्कि एक सरकार, सही सरकार बने उसके चुनाव में बड़ी भूमिका निभाती है। जी, अगर देखें हम हमेशा तो युवाओं का प्रतिशत तो बेशक कभी बढ़ा है कुछ समय में, लेकिन जो टर्नआउट है अगर हम उस पर गौर करें कि लोकसभा के चुनाव पर विशेषकर कि कितने लोग आ रहे हैं, और हम मान सकते हैं कि युवाओं का प्रतिशत उसमें हमेशा एक निश्चित उसी अनुपात में रहा होगा, तो अगर हम देखें पहले लोकसभा के चुनाव में तो 44.8% था टर्नआउट, जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ 1971 में 55.2 तक पहुंचा है, 1977 में लगभग 55% पर आ गया, और इस तरह से बढ़ता हुआ। लेकिन पिछले कुछ समय तक अगर हम अभी गौर करें तो पीछे हमारा जैसे 2014 का है या 2019 में गौर करें तो 67% की भागीदारी है, और युवाओं का अनुपात हम मान सकते हैं कि ये लगभग हमेशा बराबर ही रहा होगा या थोड़ा अनुपात शायद बढ़ा भी होगा। तो सिर्फ युवाओं का नहीं, अगर हम ओवरऑल कहें कि भाई टर्नआउट को बढ़ाने की कोशिशें, क्योंकि अगर टर्नआउट बढ़ेगा तो हम मानकर चल सकते हैं कि युवाओं का अनुपात भी उसमें बढ़ेगा, उसके लिए समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम, लोगों को शिक्षित करने के कार्यक्रम और सब कुछ चल रहे हैं, इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? तो ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, कह लीजिए कि सभी को एक सम्मिलित करके, खास करके युवाओं को नेतृत्व देके ये प्रोसेस को आगे बढ़ाया। इस आगे प्रोसेस को बढ़ने से ये फायदा हुआ है हमारे देश में कि ये जो लोग वोट डालने जा रहे हैं वो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो अज्ञान नहीं है, वो किसी के बहकावे वाले वोटर्स नहीं है, वो एक इन्फॉर्म वोटर्स हैं, एक नीतियों के तहत जो उनको लगता है कि जो कन्विंस जो नीतियां कर रही हैं उनको
उसके पक्ष में या जो नहीं करें उसके भी पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि युवा जो है या जो बाकी जो मतदाता हैं, अगर 66% हालांकि हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि 70% से ऊपर जाए, और मैं माननीय चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर है राजीव जी के, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बार ये कहा है कि एक एक वोटर को, अगर एक भी वोटर कहीं है और वो वोट डालने की स्थिति में चल के बूथ तक आने की स्थिति में नहीं है, उसका भी वोट लेने जाएंगे। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि चुनाव आयोग हमारा ये पूरी तैयारी में है कि अगर कोई बुजुर्ग है या कोई अपाहिज है तो उसका भी वोट कास्ट हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब की बार जो है कोई भी ऐसा बूथ नहीं होगा जिसमें एक सामान्य जो जरूरत है लोगों की, जिसको बोल सकते हैं दैनिक आवश्यकताओं की, जिसमें पानी है या आपका जो है वो चाय वगैरह है या शौचालय की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाओं को करके मैक्सिमम लोगों को इस जो है ये राष्ट्रीय पर्व में शामिल करने की जो कोशिश चुनाव आयोग ने की है, वो चुनाव आयोग को मैं कहता हूँ ये साधुवाद के जो है वो पात्र हैं। और इस तरह से ही ये लोकतंत्र को हम जीवित या एक बहुत ही वाइब्रेंट, जिसको लोकतंत्र कह सकते हैं, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कह सकते हैं, वो हम हासिल कर सकते हैं, वो हम उसको बरकरार रखते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अभी जो युवा है वो बहुत इन्फॉर्म्ड है, और अगर हम पिछले 10 साल के आंकड़े देखते हैं तो कुल जो मतदाताओं की संख्या है, जो जिन्होंने मत दिए हैं यानी टर्नआउट जिसे हम कहते हैं, टर्नआउट 66-67% तक है, और युवाओं की भागीदारी भी काफी सक्रिय रही है। ये जो सूचना का जो एक तंत्र विकसित हुआ, सूचना क्रांति जो देश में आई है, ये भी एक नए मतदाता वर्ग को उन्होंने पैदा किया जिसमें जागरूकता बढ़ाई है, यानी लोगों को जानकारियां भी मिलने लगी हैं। अब लोग ये कह सकते हैं कि किसी के प्रति केवल आरोप से कुछ नहीं होता, या किसी के बारे में कुछ अगर अनर्गल कोई बात होती है तो वो सही है या नहीं है अब जनता समझ सकती है या वोटर समझ सकते हैं। चीजें बदली है, एक तो सूचना की क्रांति हुई है, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने लगा है। जी, और अगर हम वापस आते हैं निर्वाचन आयोग के प्रयासों पर, कि निर्वाचन आयोग ने नए मतदाताओं के पंजीकरण और वोटर टर्नआउट में आ रही स्थिरता को दूर करने के लिए कुछ साल पहले से वोटर टर्नआउट में आ रही स्थिरता को दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए थे, और उसका काफी अच्छा असर देखने को मिला था, काफी बढ़त आई थी और उसमें युवाओं का प्रतिशत भी बढ़ा था। तो इस तरह के कार्यक्रमों के लिए युवाओं के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, आपकी राय में निर्वाचन आयोग को और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? एक पहलू रह गया है जो निर्वाचन आयोग ने वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए किया है, वो है महिलाओं को खास करके वोट के प्रति उत्साहित करने के लिए। पिछले कुछ चुनाव में देखे होंगे कि पहले अलग अलग बूथ नहीं होते थे, महिलाओं और पुरुषों को एक साथ जो है वोट डालने के लिए कहा जाता था। अब चुनाव आयोग ने पिछले 10-12-15 सालों में देखा मैंने कि महिलाओं के लिए अलग बूथ जो है बनाया, अलग बूथ ही नहीं बनाया बल्कि उसको उत्सव का एक रूप दिया, उसको पिंक बूथ के रूप में बताया गया, वहां तरह तरह की चीजें रखी गई, जागरूकता बढ़ाया गया। चुनाव आयोग ने जो अपनी तरफ से कोशिश की है वो ये कोशिश ये की है कि लोग जो है वो शाई ना हो कि भाई मेरा आज काम है, मैं वोट छोड़ के मैं कोई और काम कर लूं। जो पहले होता था कि अगर आपको मतदान होना है तो लोगों को लगता था चलो नाश्ता करते हैं फिर देखते हैं, बाकी लोगों को जिनको वोट देना होगा देंगे, लेकिन ये पार्टिसिपेशन बढ़ा कैसे? तो चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से अलग पहल की है, उन्होंने बूथों पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, किसी को कोई लूट खसोट की घटनाएं हमारे हिन्दुस्तान में आप समझिए बहुत नगण्य हो गई है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चियों के लिए जो उन्होंने अलग बूथ का निर्माण किया, सारी सुविधाएं दी उन्होंने, महिला जो है पुलिस वहां पे तैनात किया, और इसके अलावा मैं देखता हूँ ये है कि लोगों को एक घर से निकाल के जो लोग पहले ले आते थे ये उसकी जरूरत नहीं पड़ती, अब चुनाव आयोग के लोग जाते हैं स्वयं जो है जनता को या मतदाता को प्रशिक्षित करके आते हैं कि कैसे आपको बटन दबाना है, क्या करना है, इस तरह की बहुत सारी चीजें प्रशिक्षण के तौर पर होता है। आगे क्या करना चाहिए? देखिए आगे क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेशन बढ़ाने से आगे का प्रतिशत बढ़ेगा। अब इस बार जो है चुनाव आयोग ने जो कहा है कि एक आदमी को भी नहीं चुनेंगे, अगर एक मतदाता भी कहीं उनको प्राप्त मिल जाता है जो वोट डालने की स्थिति में नहीं है तो भी उसके एक वोट के लिए भी उनका पूरा एक दल जाएगा जो वोट डाल के आएगा। अब इसके अलावा क्या जरूरत है अपने को, चुनाव आयोग की तरफ से सिर्फ एक काम और करना है, चुनाव आयोग को सूचनाएं जो है लगातार लोगों तक पहुंचानी है, लोगों को उनके डेट्स के बारे में बताना है, जो अभी टेलीविजन पे बाकी जो है टीवी चैनल्स करते हैं, बट चुनाव आयोग अपनी तरफ से विज्ञापन के जरिए अपील के जरिए कर सकता है। इसके अलावा
हम ये भी कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ आंकड़े बहुत सारे पेश किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, हम बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ कम प्रतिशत, इसी बार वोट में कम प्रतिशत आए। हम उनको कह सकते हैं, हम अपने मशीनरी लगा सकते हैं कि भाई इन इलाकों में वोट कम पड़े तो क्यों पड़े, वहां एक समीक्षा होनी चाहिए, वहां बातचीत होनी चाहिए लोगों से और उसका एक मत प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। खास करके सुदूरी इलाकों में मैं देखता हूँ, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके हैं या नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके हैं जहाँ वोट प्रतिशत आमतौर पर कम पड़ते हैं, वहाँ चुनाव आयोग को एक अलग कोशिश करनी होगी और लोगों को वहाँ सुविधाओं को भी कमी है, सुविधाओं की का भी विस्तार करना चाहिए, लोगों तक पहुँचने की कोशिश की जाए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस जगाना चाहिए, सुरक्षित भाव देना चाहिए और साथ साथ ये भी उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई लोकतंत्र आपका है, आपको ही इसको आगे बढ़ाना है, देश में एक नई सरकार का गठन आपके वोट के बिना नहीं हो सकता है और आप ही जो है इस देश के जो है मतदाता केवल नहीं है बल्कि वहाँ के मतदाता भी है। इस तरह की अगर भावना लोगों के मन में भर दी जाए तो डेफिनेटली जो है ना अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जी, एक और बिंदु है जो अभी निर्वाचन आयोग ने हाईलाइट किया था कि स्कूल कॉलेजों से डेटा लेकर पंजीकरण किया जाए, या कई जगह मैंने देखा है अभी पिछले कुछ समय में भी कि कॉलेजों में विशेष कैंप लगाए गए हैं नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए और छोटी छोटी जगहों पर भी है, ये सिर्फ बड़े शहरों में नहीं हो रहा है बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी, गांवों में भी देखने को मिल रहा है कि वहां विशेष कैंप लगाकर नए मतदाता जोड़े जा रहे हैं, नए युवा जो पहली बार वोट डालेंगे, इस तरह के प्रयासों को आप कितना कारगर मानते हैं? नहीं, मैं तो इससे आगे भी चुनाव आयोग जो है, मुख्य चुनाव आयोग ने जो कल एक घोषणा की वो बहुत ही अच्छा लगा कि केवल अभी नहीं है कि जिनका पंजीकरण हो गया है वो 18 साल के हो गए उन्हीं का पंजीकरण हुआ है, नहीं, जो 1 अप्रैल को भी 18 साल के हो सकते हैं उनका भी पंजीकरण चुनाव आयोग ने कर लिया। चुनाव आयोग अपनी तरफ से बहुत ही सतर्क है, वो एक भी मतदाता को छोड़ना नहीं चाहते हैं और उसके लिए प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, फिर आप जैसा बता रहे हैं स्कूल कॉलेज अलग अलग ब्लॉकों में जो है जो चुनाव मतदान करने के लिए अपना पहचान पत्र बनाना चाहता है वो पहचान पत्र बनाने की सुविधाएं हैं। ये जो है प्रोसेस जो है ये लगातार चलता रहता है, आपको मालूम मतदान मतदाता पत्र के लिए आपको कोई समय सीमा नहीं है, उसमें आप जब चाहें बना सकते, लेकिन मैंने ये देखा है कि 18 साल के लोग जो नहीं भी हुए थे दिसंबर 1 जनवरी 2024 को, चुनाव आयोग ने ये अगर आकलन कर लिया है कि 2024 के 1 अप्रैल को भी कोई 18 साल का हो सकता है उसका भी मतदान का अधिकार बने और वो मतदाता बने, ये एक बड़ी बात है और चुनाव आयोग इस तरह के बहुत सारे और प्रयोग जो है वो करता रहा है। मेरी अपनी जो समझ है वो ये कहती है कि मतदाता को चुनाव आयोग पंजीकरण से न करे बल्कि उनको एक किसी उसके पत्र के जरिए या किसी सूचना तंत्र के जरिए सबको ये बताया भी कि भाई एक भर के वो उनको दे कि हाँ मैं मतदाता हूँ जैसा कोई एक कैंपेन भी चुनाव आयोग को चलाना चाहिए, ताकि जो है नीचे से एक कैंपेन जब चलता है तो सब लोग उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट बनता है कि हाँ मैं मतदाता हूँ, मैं भारत का मतदाता हूँ, तो कुछ इस तरह का भी एक विचार लोगों को करना चाहिए। जी विक्रम जी, बहुत सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे युवा मतदाताओं के बीच मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार विक्रम उपाध्याय और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।